इंटरनेट के एक नुस्खे के बारे में आपने हमेशा से सुना होगा और आप सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी इस नुस्खे को ट्राई किया भी होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कि सब कहते हैं कि वजन घटाने के लिए सुबह उठकर गर्म पानी में शहद और नींबू डाल के पीने से आपका वजन कम होता है और इसे एक आयुर्वेदिक नुस्खा भी कहा गया है। तो क्या सच में आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि गर्म पानी के साथ शहद लेने से आपका वजन कम होता है? तो चलिए जानते हैं, आज के हमारे वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि शहद को क्या गर्म पानी के साथ लेना आपके शरीर के लिए फ़ायदा कारक है या आपके लिए नुकसान कारक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिल्पास योग आयु। आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या शहद को गर्म पानी के साथ लेना आपके शरीर के लिए फ़ायदा कारक है या नुकसान कारक है और आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा गया है। अब सभी को ये जान के बहुत ही बड़ा झटका लगेगा कि आयुर्वेद की किसी भी संहिता या ग्रंथ में किसी भी आचार्य ने कभी भी ये नहीं कहा है कि गर्म पानी के साथ शहद को लेना चाहिए, यानी कि शहद को गर्म चीज़ों के साथ लेने से आपका वजन कम होता है। तो चलिए जानते हैं कि आयुर्वेद में शहद का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसके बारे में सभी आचार्य ने क्या कहा है। आचार्य चरक बताते हैं कि शहद को खुद को गर्म करके नहीं लेना चाहिए। मैंने कई सारी ऐसी रेसिपीज़ देखी है जिसमें शहद को गर्म करते हैं, उसको कैरमलाइज करके रेसिपीज़ में यूज़ किया करते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। दूसरा, शहद को गर्म चीज़ों में मिलाकर भी नहीं लेना चाहिए या गर्म चीज़ के साथ भी नहीं लेना चाहिए। जैसे अगर आपने गर्म ब्रेड पे शहद लगा के लिया एज अ जैम, या फिर दूसरी कई सारी ऐसी रेसिपीज़ है जिसमें हम ऊपर से गर्म चीज़ों में शहद डालकर पीते हैं। और एक चीज़, शुगर का अल्टरनेटिव भी हमने शहद को ढूंढ ही लिया है, इसीलिए लोग गर्म दूध में या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें मीठापन बढ़ाने के लिए शहद का इस्तेमाल करते हैं, जो भी एक गलत चीज़ है। और तीसरा भी ये उन्होंने बताया है कि गर्म प्रदेश में आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का वातावरण अगर गर्म है, आप गर्मी में से बाहर घूम के अगर घर पे आए हो, या आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का तापमान भी ज़्यादा रहता है, या आपका शरीर का तापमान सब गर्म है, या फिर आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे आप कंटिन्यूस गर्मी के संपर्क में आते हो, गर्मी के कॉन्टैक्ट में रहते हो, तो भी आपको शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। यह आपको शरीर को मार देगा, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है कि हाँ, गर्म चीज़ों के साथ अगर आप शहद को लेते हो तो आपको शरीर को मार देता है। यहाँ पे ये बात नहीं है कि आपने ये शहद लिया और आप तुरंत मर जाएंगे, नहीं, लेकिन ये आपके शरीर में एक धीमा जहरीला पदार्थ बन के इकट्ठा होता रहेगा और एक टाइम आने पर यह आपके शरीर के सारे दोषों को बिगाड़ेगा और आपको बीमार कर देगा। अब शहद को बहुत ही नॉर्मल चीज़ है जो हम हमेशा से लेते हैं, तो फिर शहद इतना जहरीला क्यों बताया गया है? इसके बारे में भी आचार्य ने डिटेल में कहा है कि शहद बनता कैसे है। शहद बनाने वाली मधुमक्खियाँ खुद ही जहरीली होती है और वो सब अलग अलग फूलों के रस को चूस कर उसमें से सारे रस चूस कर एक जगह पर इकट्ठा करती है। तो ये सारे फूलों के रस एक दूसरे के साथ रस में या घुन में या किसी और तरह से एक दूसरे के विरुद्ध तो होते ही है, और उसमें से कई फूल ऐसे भी होते हैं जो खुद जहरीले होते हैं। इसलिए इन सबको मिलाकर जो शहद बनता है वो थोड़ा तासीर से जहरीला हो ही जाता है। इसलिए आचार्य चरक ने ये बताया है कि शहद का इस्तेमाल लिमिटेड यानी कि बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए। यानी कि अगर आपको शहद का पूरे दिन में इस्तेमाल करना है तो आप 3 से 4 चम्मच तक ले सकते हो, उससे ज़्यादा शहद आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इसके बारे में भी बताया है कि अगर आप शहद का सेवन बहुत ज़्यादा कर लेंगे और आपको शहद की वजह से अगर अपचन यानी कि इंडाइजेशन हो गया, तो उस इंडाइजेशन को ठीक करना दुनिया में सबसे खतरनाक बताया गया है और वो आपके शरीर को मार भी सकता है। मॉडर्न साइंस ने भी ये माना है कि शहद को गर्म करके नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न साइंस ने भी प्रूव किया है कि अगर शहद को हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे उसका पीएच बदल जाता है और उसमें से एक HMW नामक एक बहुत ही जहरीला पदार्थ जो सब्सटेंस है वो रिलीज होता है और वो हमारे शरीर के लिए पॉइजनस है। इसलिए आयुर्वेद भी गर्म चीज़ों के साथ शहद को मना ही करता है। मॉडर्न साइंस ने भी ये प्रूव कर ही दिया है कि गर्म चीज़ों के साथ शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। तो फिर अगर हमें वज़न घटाना है तो हमें शहद का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, क्योंकि शहद की वजह से वज़न कम होता है, ये भी आयुर्वेद में लिखा ही है। तो हाँ,
अगर आपको वजन घटाने के लिए शहद का इस्तेमाल करना है और उसको पानी के साथ ही लेना है तो आप क्या करेंगे, आप एक लीटर जितना अगर पानी लिया है तो आप उसको आधा यानी कि अर्धांश शेष यानी कि आधा पानी उबाल लीजिए या 1/4 यानी कि चतुर्थांश शेष यानी कि 1/4 तक पानी उसको उबाल दीजिए। उस पानी को ठंडा करने के लिए रख दीजिए और वो पानी एकदम ठंडा हो जाए फिर उसमें 2 से 3 चम्मच शहद मिलाइए और उसी पानी का पूरे दिन में इस्तेमाल कीजिए तो उसकी वजह से आपका वजन अवश्य घटेगा। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और अगर आपने भी ये देखा है कि आपके आसपास भी लोग हैं जो इस तरीके से शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंचाना बहुत ही आवश्यक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको इस टाइप की वीडियो अच्छे लगते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।